डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इसके पहले एक फिजिक्स के चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को पढ़ रहे थे। चलिए उसके आगे, चूँकि हम लोग सब चीज़ अल्टरनेट में कर रहे हैं, अल्टरनेट का मतलब कभी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऐसे करके हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हम लोग इसके पहले फिजिक्स पढ़ रहे थे, चलिए इस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक केमिस्ट्री को चैप्टर को। केमिस्ट्री में हम लोग एक चैप्टर को पढ़ लिए हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर चैप्टर। तो अब हम लोग केमिस्ट्री में दूसरे नंबर चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल कॉमा क्षारक एवं लवण, ये केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर है, अम्ल क्षारक एवं लवण। दोस्त, इस चैप्टर में हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, क्षारक मतलब या क्षार, क्षार बोल सकते हैं, क्षारक बोल सकते हैं, और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। याद रहे कि हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को पढ़ लिए हैं, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में इन किए हुए हैं, जिसका नाम है अम्ल क्षारक और एवं लवण। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स देंगे। सबसे पहले दोस्त समझते हैं हम लोग अम्ल के बारे में, कि आखिर अम्ल क्या होता है। ठीक है, एसिड्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और हिंदी में इसको अम्ल कहते हैं। तो आखिर एसिड क्या है, एसिड किसको कहते हैं, ये हम लोग समझते हैं। तो अम्ल का फर्स्ट एरो देंगे, अम्ल का पहला पॉइंट लिखा जाए, अम्ल का स्वाद, फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। याद रखिएगा, जो भी चीज़ें आप खाते पीते हो, कोई भी चीज़ें खाते पीते हो, सबका स्वाद अलग अलग होता है। किसी का स्वाद खट्टा होता है, किसी का मीठा होता है, किसी जो आप खाते हो खाने वाले चीज़ का स्वाद, किसी का खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, तीखा होता है, नमकीन होता है, कई तरीके के स्वाद आपको पता होना चाहिए। हमारे हम लोगों का जो बॉडी है, उसमें बॉडी में एक टंग यानी कि जीभ जो है, गॉड गिफ्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, और इसका काम है स्वाद को पहचानना। आपको पता होगा, आप जीभ निकालेंगे, ठीक है, तो जीभ निकालेंगे तो एकदम छोटा बारीकी जैसा, सूत जैसा जीभ से निकलता हुआ है, और वो सभी पता है क्या करते हैं, टेस्ट के लिए ही, और पता होना चाहिए टेस्ट के लिए, वो रेशेदार जैसी रचना जीभ से निकले हुए होते हैं, उनका काम ही होता है टेस्ट करना। ठीक है, उनसे टेस्ट पता चलता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जीभ जो है, जीभ के कुछ भाग होते हैं, मान लिया ये भाग, ये वाला भाग तीखा को टेस्ट करता है, ये मीठा के लिए है, ये कुछ और के लिए, यानी कि हम जो खाते पीते हैं, मान लिया जाए कि ये वाला जीभ का पार्ट तीखा को टेस्ट करता है, तो आप अगर यहाँ उसको रखिएगा, यानी कि जिसको खा रहे हैं आप, यहाँ जीभ के इस पार्ट को टच कीजिएगा, आपको तीखा नहीं लगेगा, जब तक कि यहाँ नहीं जाता है, आपको तीखा का ज्ञान नहीं होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब, हमारा जो जीभ है, एक गॉड गिफ्टेड ऐसा अंग है जो हम लोगों को कोई भी वस्तु हम खाते हैं उसका टेस्ट करता है, और टेस्ट के लिए अलग अलग जीभ का पार्ट्स है, तीखा के लिए अलग भाग है, मीठा के लिए अलग भाग है, सबके लिए अलग अलग भाग है। और यही कारण है, अगर मतलब मान लिया जाए आप मिर्चा खाएं, अब मिर्चा का तीखा आपको ज्ञान हो जाता है कि मिर्चा बहुत तीखा है ना, तो मिर्चा जब तीखा है तो आपका एक सवाल और उठ सकता है कि मान लिया जाए कि ये तीखा वाला एरिया है जीभ का, तो हम ऐसा करते हैं, मिर्ची को खाएंगे और इस रास्ते से गुजार देंगे जीभ से, तो हमको तो तीखा नहीं लगेगा, फिर हम कितना भी मिर्ची खा सकते हैं। तो दोस्त, गॉड गिफ्टेड एक और प्रॉपर्टीज है कि जैसे ही आप जो चीज़ खाते हैं, तो आपको सबसे पहले दांत से गुजरना पड़ता है। दांत का काम क्या है,
कि उस भोजन को छोटे छोटे आकार में तोड़ देना, और जब टूटता है हमारा मुंह से लार स्रावित होता है। उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, हम आपको बताए हैं एमिलेस एंजाइम, जब हम लोग पाचन तंत्र को पढ़ रहे थे। तो उस एमिलेस एंजाइम का काम है भोजन को लार के साथ मिला देना, और जब मिलेगा कब, जैसे आप मिक्सर मशीन में मिक्स करते हैं तो ऑलरेडी है कि जीभ के इस पार्ट में भी जाएगा ही भोजन। तो यानी कि कहने का मतलब है आप उन जीभ जो भी आप चीज़ खाते हो ना, जीभ के हर भाग से गुजरता है ये, उसको हम बचा नहीं सकते हैं चाह कर भी। और मान लिया जाए कि हम मिर्ची खाएं तो इस भाग से भी गुजर रहा है, इस भाग से, तो इस भाग से गुजरा तो हमको मिर्ची का तीखा ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ गया तब पता चला कि अच्छा ये तीखा चीज़ है। तो इसलिए अम्ल के बारे में जानिए कि अम्ल क्या है। तो अम्ल का स्वाद जो है एकदम खट्टा होता है। आप जो भी चीज़ें खाएं, भोजन कीजिए, लेकिन अगर वो खट्टा हो, इसका मतलब आप क्या समझें, अम्ल है। जैसे आप नींबू, नींबू भी अम्ल हो गया, इमली, इमली भी अम्ल हो गया। यानी कि कुल मिलाकर अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई, खट्टे होते हैं, ये बात एकदम नोट कर लो। चलो उसके बाद नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखा जाए, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखा जाए, यह नीले लिटमस पत्र, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। हाँ, अब देखिए लिटमस पत्र क्या है, ये अब सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाला बात। तो दोस्त, लिटमस पत्र एक प्राकृतिक पौधा है, उस पौधे से निकाला जाने वाला एक लिटमस नाम का एक पत्र है, यानी कि उस पौधे का नाम है लिचेन। ठीक है, एक पौधा है, जैसे हम लोग पीपल का पौधा बोल देते हैं, आम का पौधा, पेड़ बोल देते हैं ना, वैसे ही एक पौधा है लिचेन, और इसी लिचेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। ठीक है, अब ये लिटमस का काम क्या है भाई, तो लिटमस का काम है अम्ल को टेस्ट करना। जैसे हम तो उसको स्वाद लेके भी तो टेस्ट कर सकते हैं कि अम्ल है कि नहीं, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा यौगिक ऐसा है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री में ऐसा ऐसा हम लोगों को रसायन मिलता है जिसको आप टच करेंगे तो वो जहरीला भी हो सकता है। जैसे आपको लगेगा खट्टा, लेकिन बाद में वो जहर फैल जाता है, जहर हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसके लिए हम सभी चीज़ों को, अम्ल को टेस्ट करने के लिए हमेशा उसको खाना पड़ेगा तभी ना। तो इसलिए इसको, इससे बचने के लिए एक लिटमस पत्र नाम दिया गया, जो किससे प्राप्त होता है याद रख लीजिएगा, लिचेन के पौधा से प्राप्त होता है। और लिटमस पत्र एक टेस्ट है, आप मलेरिया वगैरह टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट किट नहीं मिलता है ऐसे, और यहाँ पे ब्लड डालते हैं तो यहाँ से पता चलता है। तो कुल मिलाकर ये भी एक तरह का किट है, और जब जैसे ही, जैसे मान लिया कि इमली को चेक करना है कि इमली को चाहिए अम्ल है कि क्या है, तो इसको, इस लिटमस पत्र को जैसे ही डालेंगे ना इमली में, इमली के बिलियन में, तो याद रखिएगा इसका कलर नीला से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी कि नीला से लाल, याद रखिएगा, वो हो जाता है हम लोगों का अम्ल। यानी कि जैसे ही इसको हम लोग, इस लिटमस पत्र को खट्टे पदार्थ में डालेंगे या उसको टच करेंगे, तो इसका रंग जो है लिटमस पत्र का, वो किससे कैसा हो जाता है, नीला से अगर लाल हो जा रहा है तो आप समझिए कि क्या है, वो अम्ल है। तो याद रखिएगा कि अम्ल जो है लिटमस पत्र को कौन रंग में बदल देता है, तो नीला से लाल में बदल देता है, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिटमस पत्र के बारे में लिखेंगे, नेक्स्ट एरो देकर, नेक्स्ट थर्ड एरो दीजिएगा, लिखेंगे लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक का मतलब सूचना प्रदान करने वाला है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। तो याद रखिएगा लिटमस पत्र क्या है, एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक इसलिए नाम दिया गया क्योंकि लिचेन पौधा से ये प्राप्त होता है, और पौधे क्या हैं, प्राकृतिक है, है ना, यानी कि गॉड गिफ्टेड है। तो इसलिए याद रखिए, यानी कि पौधा को मानव लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर जो मानव लोग बनाते हैं उसको कृत्रिम बोला जाता है। जैसे मान लिया घड़ा बनाया,
घड़ी बनाया या फिर ये कॉपी बनाया, ये सब कौन बनाया? भगवान ने बनाया, खुद मानव ने बनाया है। तो जो मानव बनाते हैं उसको नाम है होता है कृत्रिम, और जो भगवान बनाता है उसको प्राकृतिक। तो याद रखिएगा, लिटमस पत्र भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक मतलब सूचना देने वाला कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए फोर्थ एरो, हल्दी भी एक, हल्दी हल्दी जो हम लोग हल्दी खाते हैं, हल्दी हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जो, एक ही में लिखिएगा, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जो श्वेत कपड़ों पर, श्वेत कपड़ों पर लगे दाग को, लगे दाग को साबुन से रगड़ने पर, साबुन से रगड़ने पर लाल भूरा रंग का, लाल भूरा रंग का हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि लिटमस पत्र एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो उस तरह की से हल्दी भी क्या है? एक याद रखिएगा कि प्राकृतिक सूचक है। अब कोई पूछेगा कि क्यों प्राकृतिक सूचक है, तो इसके लिए आपको कारण बताना होगा। तो इसके लिए आप कारण यही दीजिएगा कि मान लिया कि एक उजला कपड़ा यानी कि सफ़ेद कपड़ा पर आप हल्दी को रख के और बांध के उसको पानी में डुबा दीजिए और पानी से उसको निकाल लीजिए, यानी कि एक उजला कपड़ा में हल्दी के टुकड़ा को बांध के और पानी में डुबा देना है और फिर पानी में से निकाल कर और फिर कपड़ा से खोल कर हल्दी को निकाल लेना है। तो जैसे ही हल्दी को निकालेंगे तो उस कपड़े पर क्या होगा? पीला रंग का होगा, पीला रंग उस श्वेत कपड़ों पे आ जाएगा, है ना। और जब श्वेत कपड़ा यानी कि उजला कपड़ा पर जब पीला दाग पड़ जाएगा तो उस दाग को फिर आप साबुन से रगड़ते हैं ना, तो जैसे ही साबुन से रगड़ते हैं उस टाइम वो लाल भूरा हो जाता है, ठीक है, यानी कि रंग में परिवर्तन हुआ। तो याद रखिएगा कि अगर रंग में परिवर्तन होता है तब वह एक प्राकृतिक सूचक कहलाता है। जैसे कि लिटमस पत्र क्या कर रहा है? तो अम्ल को चेक करने के लिए वो नीला से लाल कर दे रहा है, तो रंग बदल रहा है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि प्राकृतिक सूचक क्या है भाई, तो आप बोलिएगा वह पत्र या वह सूचक, ठीक है, जो रंग को परिवर्तित कर दे, तब हम उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि हल्दी भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि हल्दी को किसी भी श्वेत कपड़ा में आप बांध दीजिएगा और उसको निकाल दीजिएगा, उसका रंग हो जाएगा पीला, लेकिन जैसे ही साबुन उस पर रगड़िएगा तब पीला से हो जाएगा लाल भूरा, ठीक है। आप ये टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि उसका रंग कैसे बदलता है। तो इसलिए बोला गया कि हल्दी भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। अब प्राकृतिक सूचक के बारे में हम लोग पढ़ लिए, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एरो देते हैं। नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे अम्ल और क्षार की जांच के लिए, अम्ल और क्षार की जांच के लिए संश्लेषित सूचक का उपयोग किया जाता है, संश्लेषित, संश्लेषित सूचक का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फथेलिन, फिनॉल फथेलिन, ठीक है। जैसे मैं लिखेगा मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फथेलिन, याद रखिएगा
कि अम्ल और क्षार को चेक करने के लिए कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, इसको चेक करने के लिए कौन सा सूचक का व्यवहार किया जाता है? याद रखिएगा, संश्लेषित सूचक। ठीक है, सवाल पूछ सकता है कि अम्ल और क्षार को टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए किस सूचक का उपयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक सूचक कभी नहीं बोलिएगा, राइट आंसर इज संश्लेषित सूचक। अब संश्लेषित सूचक कौन कौन सा होते हैं, संश्लेषित सूचक का एग्जाम्पल क्या है? तो मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फथेलिन, ये दो संश्लेषित सूचक के अंतर्गत आते हैं। आप इनका नाम जो है याद रख लीजिएगा कि संश्लेषित सूचक के अंदर में कौन कौन से आते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फथेलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फथेलिन का काम क्या है? अम्ल और क्षार को टेस्ट करना कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, दोनों को चेक करने के लिए संश्लेषित सूचक का ही व्यवहार किया जाता है। चलिए उसके बाद ये सभी सारा पॉइंट्स जो हम लोग पढ़े ना दोस्तों, अम्ल के बारे में पढ़े। अब अम्ल के बाद हम लोग आते हैं, टॉपिक्स देंगे क्षार के बारे में, क्षार या क्षारक भी लिख सकते हैं। क्षार ये टॉपिक बनाना है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो टॉपिक्स देंगे क्षार। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एरो क्षार के नीचे लिखा जाए क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, कड़वा। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एरो में लिखिएगा यह लाल लिटमस पत्र को, यह लाल लिटमस पत्र को, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो याद रखिएगा क्षार का दो प्रॉपर्टीज सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी तो आप अम्ल वाला में सीखे ही हैं कि संश्लेषित सूचक का काम है कि अम्ल और क्षार में टेस्ट के लिए, यानी दोनों में अलग अलग टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं संश्लेषित सूचक का। लेकिन क्षार में हम लोग दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन क्षार जो है स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वापन होता है इनमें। ठीक है, तो जो जिसका स्वाद कड़वापन होता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब जो है ना, इसका स्वाद जो है कड़वा होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हाइड्रोक्साइड वाले जितने भी हैं ना, वो सभी क्षार के अंतर्गत आते हैं। हालांकि हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में क्षार के बारे में डीपली नॉलेज लेंगे, अभी क्षार खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्षार के बारे में अभी फिलहाल दो चीज़ जानिए कि इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा, और याद रखिए अम्ल जो है लिटमस पत्र को किस रंग से किस रंग में बदलता है। तो अम्ल याद रखिएगा नीला से लाल। ठीक है, और क्षार जो है लाल से नीला, यानी कि उल्टा होता है, अम्ल का उल्टा क्षार। यानी कि अम्ल जो है लिटमस पत्र को नीला से लाल में बदल देता है, जबकि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नोट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। नोट उसके नीचे फिर नोट लिखा जाए, नोट का फर्स्ट पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट लिखा जाए, लिटमस पत्र बैगनी रंग का होता है, लिटमस पत्र बैगनी रंग का होता है। देखिए, अगर आप, हम तो बताएं कि लिटमस पत्र क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है जिसको लीचेन के पौधा से निकाला जाता है। तो याद रखिएगा कि जब लिटमस पत्र का लीचेन पौधा से निकाला जाता है तो उसका स्टार्टिंग में जो कलर होता है वो बैगनी रंग का होता है। यानी कि आप ये समझिए कि जब हम उसको न तो अम्ल में डुबाए हैं और न ही क्षार में डुबाए हैं, मतलब कि ओरिजिनल है हम लोगों का लिटमस पत्र, तो उसका रंग कैसा होता है, बैगनी। ठीक है, और जैसे ही इस लिटमस पत्र को हम खट्टे पदार्थ वाले में डालेंगे तो इसका कलर नीला से कैसा हो जाता है, मतलब आधा नीला और नीला से फिर
लाल, यानी कि नीला से अगर लाल हो जाता है तब हम उसको बोलेंगे अम्ल, और जब न तो हम अम्ल में डूबा हैं और न ही क्षार में डूबा हैं तब कैसा रंग का होता है वो? बैगनी रंग का, याद रखिएगा। न तो उसको अम्ल में डूबा है और न ही क्षार में डूबा है, मतलब उसको कोई टेस्ट नहीं किया गया, तब उसका रंग होता है बैगनी। अब नोट का सेकेंड पॉइंट लिखा जाए, नोट का सेकेंड पॉइंट लिखा जाए, लिटमस पत्र थैलो फाइटा, ऐसे लिटमस पत्र थैलो फाइटा समूह के, थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है, से निकाला जाता है। दोस्त अब आपका सवाल ये रहेगा कि थैलोफाइटा समूह क्या है? तो आप अगर नाइन्थ क्लास, इसके पिछले वाले क्लास पढ़े होंगे, नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी, तो उसमें आपको पता चला होगा कि कुछ जीव हैं, कुछ पौधे हैं, उनको अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है, जैसे ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और भी दो तीन नाम हैं इसके प्रकार। तो वहाँ से हम लोग को पता है कि थैलोफाइटा समूह क्या है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ पौधों को इसमें शामिल किया गया है। वैसे ही एक पौधा का नाम है लिचेन पौधा, और लिचेन पौधा को किस समूह में रखा गया, याद रखिएगा, थैलोफाइटा समूह। और इसी लिचेन पौधे से लिटमस पत्र बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लिचेन पौधा जो है किस समूह में पाया जाता है, तो थैलोफाइटा समूह में। और ये थैलोफाइटा समूह से में ही लिचेन पौधे पाए जाते हैं, और लिचेन पौधे से ही लिटमस पत्र प्राप्त किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसका दो इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला में कि लिटमस पत्र जो होता है उसको न अम्ल में डुबाते हैं न क्षार में, तो उसका बैंगनी रंग का होता है, जैसे ही अम्ल में डुबाएंगे वो नीला से लाल कर देता है, और जैसे ही क्षार में डुबाएंगे वो लाल से नीला कर देता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद याद रखिएगा कि लिटमस पत्र आखिर कौन सा सूचक है, तो यह एक प्राकृतिक सूचक है। कहाँ से निकाला जाता है, तो लिचेन के पौधा से निकाला जाता है। लिचेन पौधा को किस समूह में रखा गया है, थैलोफाइटा समूह में। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में पढ़े। इस इतना पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं, तो बीच में का प्रश्न है, उस प्रश्न को, और प्रश्न मात्र एक ही है, तो उस प्रश्न को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।